हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज इट। पिछले वीडियो में हमने थर्ड 5 ईयर प्लान तक कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हैरोल्ड डोमार मॉडल पे बेस्ड था, उसमें 5 IITs बनाए गए और डैम्स और इरिगेशन पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो नेहरू मेलानोबिस मॉडल या PC मेलानोबिस मॉडल पे बेस्ड था, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया था। और थर्ड 5 ईयर प्लान में स्टार्टिंग में तो प्लानिंग एग्रीकल्चर के लिए किया गया था, लेकिन इंडिया चाइना वार और इंडिया पाक वार के बाद इन्वेस्टमेंट डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हुआ था। रुपए का डिवेल्युएशन हो गया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट सामने आया था, पंचायत इलेक्शन शुरू हुए थे। ओवरऑल जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो एक फेल्योर था, जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे देश का ये कंडीशन नहीं था कि हम अगला 5 ईयर का प्लानिंग कर सकें, और इसलिए 1966 में प्लान हॉलिडे घोषित किया गया। प्लान हॉलिडे, तो यहां से हमें शुरू करना है। क्या था प्लान हॉलिडे? सो प्लान हॉलिडे 1966 टू 1969, 3 ईयर्स के इस पीरियड को प्लान हॉलिडे टर्म किया गया है, जिसमें हमारे देश में जो फूड प्रॉब्लम थी और इन्फ्लेशन थी आफ्टर द वार और आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान, जो फूड प्रॉब्लम और इन्फ्लेशन के हम लोग शिकार बने थे, ओवरकम करने के लिए ये प्लान हॉलिडे घोषित किया गया, जिसमें एनुअल प्लान्स बनाए गए। एनुअल प्लान्स बोले तो हर एक ईयर का प्लानिंग हमने करना चालू किया इंस्टेड ऑफ 5 ईयर। और इसमें हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इक्वल प्रायोरिटी दिया, दोनों पे बराबर का ध्यान दिया। और इस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारी इंडियन करेंसी है उसको डिवैल्यूड घोषित किया। डिवैल्यूड इसलिए घोषित किया गया ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, ताकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए। ये था प्लान हॉलिडे। नेक्स्ट है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था 1969 में। कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो अशोक रुद्र मेनन मॉडल। इस फोर्थ 5 ईयर प्लान का बेसिक ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी स्टेबल ग्रोथ हो और आत्मनिर्भर बने, यानी एक ऐसा प्रोग्रेस हो जो हमें आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ाने में मदद करे। इस दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो था 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन। ये बैंक्स के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, आपकी जानकारी के लिए कुछ मेजर बैंक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इसी दौरान नेशनलाइज हुए थे। इस दौरान फिर से एक बार इंडिया पाक वार हो गया, 1971 का इंडिया पाक वार। मैंने आपको कल भी पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी वार होता है तो इकोनॉमिक का एक मेजर हिस्सा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। तो फिर से जो हमारा टारगेट था 5.6% का, वो घटकर 3.3% ही रह गया। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान भी एक फेल्ड 5 ईयर प्लान कंसीडर होता है, ठीक है। 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होने के कारण उसका असर फोर्थ 5 ईयर प्लान पे दिखा, और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बूस्ट अप किया था, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ह्यूज ग्रोथ देखने को मिला था। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा डेट में 1974 टू 78 लिखा हुआ है, जबकि 5 ईयर प्लान 79 होना चाहिए था। तो ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। 1971 का जो इलेक्शन रैली था उसमें पहली बार इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में के जो 3 ऑब्जेक्टिव थे वो भी यही थे, गरीबी हटाओ, जस्टिस और एम्प्लॉयमेंट, यानी सबको न्याय मिले, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले और गरीबी का रिमूवल हो देश से। इस दौरान हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की, फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस, यानी ये प्लान किया गया इस 5 ईयर के दौरान एग्रीकल्चर और डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बने। डीपी धार के सजेशन पे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की घोषणा भी इसी 5 ईयर प्लान में हुई थी।
ठीक है। नेक्स्ट टारगेट, इस 5 ईयर प्लान में 4.4% का टारगेट था, हमने अचीव भी किया 4.8%। तो आफ्टर टू फेल्ड 5 ईयर प्लान्स, फाइनली हमने एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान एंड अप किया। लेकिन 1978 में गवर्नमेंट चेंज हो जाने के कारण, जब मोरारजी देसाई पीएम बने, तो इन्होंने इस 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट कर दिया, यानी ये 5 ईयर प्लान क्वेश हो गया, खत्म हो गया 1978 में। इसलिए जो आपने डेट देखा था 1974 से 78, ये 78 79 तक नहीं गया, ये 78 में ही खत्म हो गया। अगेन आपको उस समय का अगर पॉलिटिकल कंडीशन पता होगा, आप जानते होंगे वो जो पीरियड था वो काफी इनस्टेबिलिटी पीरियड था। 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी, 1980 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फिर से सरकार बनी। तो जब मोरारजी देसाई सरकार में आए, तो इन्होंने रोलिंग प्लान दिया। अब ये रोलिंग प्लान क्या था? रोलिंग प्लान बेसिकली आप ये समझो, तीन तरह के प्लान दिए गए थे। पहला जो था उसमें था कि एक एनुअल बजट होगा करंट ईयर का। सेकंड में था कि 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और थर्ड जो था वो था 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो एक फ्लेक्सिबल प्लानिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई थी मोरारजी देसाई साहब के द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट फिर से चेंज हो गई, फिर नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी और फिर से इस प्लान को भी टर्मिनेट कर दिया गया। एक आपके नॉलेज के लिए एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान पहली बार सजेस्ट किया गया था गुनार माइडरल के द्वारा पहली बार रोलिंग प्लान की दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1982-1985। 1982-1985 जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान था, इसको बोला जाता है इट्स द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। इट्स द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होता है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्यों समझो कि जो नेहरूवियन सोशलिज्म था, यानी जो पहले हम लोग का पॉलिसी था कि जो भी कस्टमर है, कस्टमर बोलने का मतलब जो भी देश के पीपल है, उन पे कम से कम बोझ दिया जाए, सरकार अपने पर बोझ ज्यादा ले, बोझ इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दे, प्राइस पे कंट्रोल रहे ताकि उन्हें ज्यादा महंगाई ना लगे, ये पॉलिसी अभी तक चलते आ रहा था। लेकिन अब हमने अपना इकोनॉमी लिबरल करने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस कंट्रोल को एलिमिनेट किया गया। जो हम प्राइस कंट्रोल कर रहे थे गवर्नमेंट द्वारा, उसको एलिमिनेट हटाया गया। राशन जो कि दुकानें थी वो बंद की गई। ये इसलिए किया गया ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करे, ठीक है। इस 5 ईयर प्लान में फैमिली प्लानिंग को शुरू किया गया, फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस्ड। ये किया गया टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। इस दौरान मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफी जोर दिया गया था, इसलिए जो मार्केट प्राइस कंट्रोल था उसको एलिमिनेट किया गया, राशन शॉप क्लोज किए गए। और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इस दौरान जो हमारा टारगेट था वो था 5.2% और हमने अचीव किया 5.7%। हाँ, एक चीज मैंने बताया, नाबार्ड क्या था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये शुरू किया गया था 12 जुलाई 1982 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिव रामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। डेट याद नहीं रखना है, लेकिन ईयर याद रखना है 1982 में, और ये सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में एस्टेब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बता दिया टारगेट ग्रोथ रेट, क्योंकि टारगेट ग्रोथ रेट हमारा पॉजिटिव था, तो इस 5 ईयर प्लान को भी एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान मान सकते हैं। सेवेंथ 5 ईयर प्लान दिया गया था भाई राजीव गांधी गवर्नमेंट, और इस दौरान हमने जोर दिया इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस।
सेवेंथ फाइव ईयर प्लान फोकस्ड ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस, यानी सोशलिज्म प्रिंसिपल पे बेस्ड हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस किया। इस दौरान तीन वर्ड्स याद रखिएगा, पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट और तीसरा फूड। यानी ये एक ऐसा प्लान था जिसमें फूड पे, भोजन पे, प्रोडक्टिविटी पे और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों पे फोकस किया गया और इसका ग्रोथ रेट जो था टारगेट 5% उसके जगह पे हमने अचीव किया 6.1%। सो इट वाज आल्सो अ सक्सेसफुल फाइव ईयर प्लान। ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन एट सेंटर, राजीव गांधी के गवर्नमेंट में के बाद के समय जो सेंटर में पॉलिटिकल सिचुएशन था और इकोनॉमिक कंडीशन, ये दोनों इनस्टेबल था। इसका बैकग्राउंड आपको पता होगा, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। तो इसलिए एट्थ फाइव ईयर प्लान टाइम पे नहीं शुरू हो पाया। सेवेंथ फाइव ईयर प्लान के बाद जो एट्थ फाइव ईयर प्लान शुरू होने वाला था 1990 में, ये नहीं हो पाया और फिर से दो एनुअल प्लान दिए गए। ठीक है, इसी दौरान, और ये टू एनुअल प्लान थे 1990 से 1991 और 1991 से लेकर 1992। ये डेट याद रखना है आपको, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ख्याल से यूपीपीसीएस में आया था। टू एनुअल प्लान 1992 1992। इसी 1990 1992 के बीच में हमारे फॉर्मर प्राइम और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एलपीजी स्कीम दिया। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमी को बूस्टअप करने में ये एलपीजी स्कीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि इन विच फाइव ईयर प्लान एलपीजी स्कीम वॉज लॉन्च्ड, ये होगा एट्थ फाइव ईयर प्लान। आंसर इसको एट्थ फाइव ईयर प्लान करेंगे, लेकिन टेक्निकली बात करें तो एट्थ फाइव ईयर प्लान के एक साल पहले ही ये इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन चूंकि उस समय कोई भी फाइव ईयर प्लान नहीं चल, तो इसको हम लोग एट्थ फाइव ईयर प्लान में कंसिडर करते हैं। तो उस समय पीएम थे नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। ध्यान दीजिएगा, मनमोहन सिंह देखते ही कहीं आप प्रधानमंत्री टिक मत कर देना। 1991 में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, उसके बाद आता है एट्थ फाइव ईयर प्लान जो कि 1992 में आया। इस दौरान हमने इंडस्ट्रीज के मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट काम, भारत WTO का मेंबर बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भारत बना 1995 में। इकोनॉमिक पॉलिसी मैंने आपको बता दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी स्कीम, ये लॉन्च हुआ था। ग्रोथ रेट टारगेट किया गया था 5.6% और हमने ग्रोथ रेट अचीव किया 6.8%। इट वाज अ सक्सेसफुल फाइव ईयर प्लान। और इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट पे जोर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है, इन विच फाइव ईयर प्लान ह्यूमन डेवलपमेंट एज कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स, इट विल बी एट फाइव ईयर प्लान। एट फाइव ईयर प्लान में कंप्लीट एरिडिकेशन ऑफ इलिटरेसी पे जोर दिया गया था, कंप्लीट एरिडिकेशन ऑफ इलिटरेसी। कौन से एज ग्रुप के बीच में? 15 to 35 ईयर एज ग्रुप के बीच में कंप्लीट एरिडिकेशन यानी इलिटरेसी पूरी तरह से हटाने पे जोर दिया गया था। एट्थ फाइव ईयर प्लान। नाइन्थ फाइव ईयर प्लान 1997 में लॉन्च हुआ था। 50 साल ऑफ जो हमारा आजादी हो चुका था इस समय। स्पेशल एक्शन प्लान दिया गया था। स्पेशल एक्शन प्लान में क्या था? पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। यानी हमने जनसंख्या नियंत्रण पर बात किया, उसके प्लानिंग की। पॉवर्टी रिडक्शन यानी गरीबी कम से कम हो, हटाने पे जोर दिया। एम्प्लॉयमेंट पे हम लोगों ने ध्यान दिया था और प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी बेसिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उस पर भी हमने जोर दिया नाइन्थ फाइव ईयर प्लान में। लेकिन इसका मेन फोकस था, वो था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, यानी सामाजिक न्याय की बात की गई थी। वुमेन कंपोनेंट प्लान भी इसी समय दिया गया था। नेक्स्ट, टारगेट था 6.5% और अचीव किया हमने 5.4%। किसी किसी लिटरेचर में आपको 5.6 भी मिलेगा, लेकिन यह ध्यान रखना है कि नाइन्थ फाइव ईयर प्लान में जितना हमारा टारगेट था उतना अचीव नहीं हुआ, निगेटिव में हम लोग रह गए। यानी ये फाइव ईयर प्लान भी एक फेल्ड फाइव ईयर प्लान था, जितना सोचा था उतना सक्सेस हमें नहीं मिला। नेक्स्ट आते हैं टेंथ फाइव ईयर प्लान की तरफ। टेंथ फाइव ईयर प्लान 2002 में लॉन्च किया गया।
टारगेट रखा गया 8%, अचीव किया गया 7.6%, तो जितना टारगेट था उतना अचीव हुआ नहीं। इस दौरान प्लान किया गया था जो पर कैपिटा इनकम है इसको डबल कर दिया जाए आने वाले 10 सालों में। आने वाले 10 सालों में जो गरीबी है उसे 15% घटाया जाए और आने वाले 5 सालों में गरीबी को 5% तक घटाया जाए। जो लिटरेसी में जो जेंडर गैप है, यानी जनरली अगर बात करें तो जो पढ़े लिखे लोगों में जेंडर गैप जो है, यानी स्कूल एजुकेशन में, उसको कम किया जाए। स्कूल कॉलेज के एजुकेशन में जेंडर गैप जो है उसे कम किया जाए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि मेल है वो तो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं, लेकिन फीमेल बाहर नहीं आ पा रही हैं, वो स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन नहीं ले पा रहे। इस गैप को कम करने की कोशिश की गई। 8% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा गया हर साल। और पॉल्यूटेड रिवर, जितने भी उस समय रिवर जो गंदे हो चुके थे उसके क्लीनिंग पे फर्स्ट टाइम बात 10th फाइवर प्लान के दौरान ही की गई थी। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लास्ट फाइवर प्लान, 11th फाइवर प्लान। इसको सी रंगा राजन के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। इस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। मेन थीम इस प्लान का था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन याद रखने वाली पॉइंट है कि इसी दौरान राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। राइट टू एजुकेशन टारगेट 9% का था, लेकिन एक्चुअली हमने अचीव किया 8%। ठीक है, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को इंक्रीज करने का टारगेट रखा गया। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट इंक्रीज करने का मतलब है कि ऐसा देखा जा रहा था कि लोग जो हायर एजुकेशन है उसकी तरफ आगे नहीं जा पा रहे, 10-12 कर रहे हैं या 10th तक पढ़कर आगे पढ़ाई ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो इस पर फोकस किया गया कि लोग हायर एजुकेशन की तरफ भी मूव करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हायर एजुकेशन नहीं होगा तो हमारा देश का जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तैयार नहीं होगा। लास्ट 12th फाइव ईयर प्लान, इस दौरान भी जो पीएम थे वो थे मनमोहन सिंह। इसका थीम याद रखिएगा सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात 12th फाइव ईयर प्लान में की गई थी। ग्रोथ 8% रखा गया था बाय एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पहले तय किया गया था 9%, लेकिन एनडीसी ने रिव्यू करके बोला था कि नहीं ग्रोथ रेट 8% ही रखा जाए। इस दौरान बात की गई थी कि हर विलेज में इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो, हर घर बिजली की बात इसी 12th फाइव ईयर प्लान में की गई थी। और 50 मिलियन जॉब्स या न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात 12th फाइव ईयर प्लान में ही की गई थी। मल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने की बात भी 12th फाइव ईयर प्लान में ही की गई थी, यानी 3 साल तक के बच्चे को जो कुपोषण से बाहर निकालने की बात 12th फाइव ईयर प्लान का ही देना है। प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, यानी सबके पास अपना खाता हो, बैंकिंग सर्विस वो लें, ये प्लानिंग भी 12th फाइव ईयर प्लान में ही किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो 90% हाउस होल्ड हैं उनको बैंकिंग सर्विस से जोड़ा जाए। 12th फाइव ईयर प्लान में ही फर्स्ट टाइम ट्राइबल डेवलपमेंट पर बात की गई थी। ट्राइबल डेवलपमेंट को फर्स्ट टाइम डिस्कस 12th फाइव ईयर प्लान में ही किया गया था। ये जो 12th फाइव ईयर प्लान था 2012 से 2017 तक के लिए था, लेकिन 2014 में हमारी सरकार चेंज हो गई, जो यूपीए कांग्रेस गवर्नमेंट थी ये चेंज हो गई और सेंटर पे आ गए एनडीए गवर्नमेंट, यानी बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय नरेंद्र मोदी, और इन्होंने प्लानिंग कमीशन को क्वेश्चन कर दिया। प्लानिंग कमीशन को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन बना था कब, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना कि प्लानिंग कमीशन कब बना था। इसको डिसॉल्व किया गया बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन 2014। सरकार बनने के बाद ही इन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया और इन्होंने नए एक आयोग की गठन की, जिसे बोला गया नीति आयोग। ये मैंने आपको शुरू में भी जब टाइमलाइन पढ़ाया था तब बताया था, 2014 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया गया और नीति आयोग बनाया गया, और इसी नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी अभी का जो प्लानिंग कमीशन का काम जो है वो नीति आयोग ही करता है। ठीक है, जिसमें चेयरमैन होते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वही इसके चेयरमैन है, एक सीईओ होते हैं। अभी करंट में एक करंट का क्वेश्चन है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आंसर होगा
श्री परमेश्वरम अय्यर, पी अय्यर यानी परमेश्वरम अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं, और चेयरमैन होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो जो हमारा 12th फाइव ईयर प्लान है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, ये खत्म हो गया 2014 में ही। इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि वाज देयर 13th फाइव ईयर प्लान, नो देयर वाजंट अ 13th फाइव ईयर प्लान, 13वां फाइव ईयर प्लान नहीं बना। टोटल 12 फाइव ईयर प्लान बने हैं, तीन और प्लान बने इसके बीच में, रोलिंग प्लान, प्लान हॉलिडे और एनुअल प्लान। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पे एक कंप्लीट वीडियो। आई होप मैंने हर टॉपिक को टच किया, ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए। अब इसमें हमारा बच गया है क्वेश्चन सीरीज, टोटल 50 टू 60 क्वेश्चन हम इस पे करेंगे कल यानी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और आप देखना आपके सारे क्वेश्चन इन सभी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इससे लग जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि प्लानिंग कमीशन कब बना था, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।